सो फाइनली दोस्तों लाहौर 1947 को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भाई, इस नए स्टार कास्ट की एंट्री हो सकती है। पहले ये अफवाह थी दोस्तों, लेकिन एक पोस्ट की वजह से फाइनली ये कंफर्मेशन आ चुका है कि अब ऑफ कोर्स ये स्टार कास्ट सनी देओल के बेटे का रोल करेंगे। वो कौन है दोस्तों, वो कौन है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक कमेंट कीजिए। अपने भाई रवि चौधरी को प्यार नहीं दिया तो चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट तो भर भर के कीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मैं देख रहा हूँ कमेंट भर भर के कर रहे हो, लाइक भर भर के कर रहे हो। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि कल मैंने सफर मूवी का अपडेट दिया था जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत लाइक कमेंट किया, थैंक यू सो मच। और दोस्तों आज मैं लाहौर 1947 की अपडेट दूंगा। देखो यार, लाहौर 1947 फिल्म जैसे जैसे इसका बज प्रमोशन और जिस हिसाब से धीरे धीरे मसाला निकल के सामने आ रहा है, यानी कि कुल कह लीजिए कि इसको मार्केटिंग स्टंट बोल लीजिए, प्रमोशंस काइंड ऑफ बोल लीजिए, जैसे जैसे दोस्तों दिन ब दिन फिल्म मेकर ये प्रयास कर रहे हैं कि लाहौर 1947 एक बिगर फिल्म का रूप ले ले, एक छोटे छोटे छेद से एक बड़ा ब्लैक होल बन जाए, दोस्तों बिल्कुल सही रास्ते पे फिल्म मेकर जा रहे हैं। आई मीन राजकुमार संतोषी ने ये फंडामेंटल सही अपना लिया है। जैसे कि दोस्तों अनिल शर्मा ने गदर 2 में धीरे धीरे फुटेज को लीक कर करके शूटिंग लोकेशंस को दिखा दिखा के जनता के बीच जो एक्साइटमेंट क्रिएट किया, हालांकि दोस्तों प्रमोशंस का पैसा बिल्कुल भी नहीं था अनिल शर्मा के पास, फिल्म मेकर जी के पास। जी तो बहुत ही घटिया, क्या ही बताओ यार, प्रोडक्शन हाउस है ठीक है, बाप मूवी की अपडेट बिल्कुल नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या ही सीन है। लेकिन यहां मैं खुश हूं कि आमिर खान का प्रोडक्शन हाउस जो कि परफेक्ट जिसको हम बोलते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट, और एक प्रोफेशनली प्रोडक्शन हाउस, एक बैनर जिसके माध्यम से लाहौर 1947 फिल्म का रिलीज हो रहा होना। और आपको बता दूं दोस्तों कि राजकुमार संतोषी, आमिर खान एंड सनी देओल ऑफ कोर्स, ये तीनों जो मिल जाएंगे ना तो भैया ये फिल्म बिगर 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 हो रही है। हालांकि कुछ फुटेज दोस्तों सोशल मीडिया पर लीक हो रही है, तस्वीरें साझा हो रही है शूटिंग लोकेशंस को। आपको बता दूं कि मड आइलैंड में लखनऊ का पूरा सेट बनाया हुआ है, लाहौर 1947 का पूरा इरा क्रिएट किया हुआ है, बैकग्राउंड में आपको पूरा वैसा ही माहौल देखने को मिलेगा जैसे कि पाकिस्तान का, लाहौर का। और आजकल दोस्तों एक क्या बोलते हैं, कंसेप्ट सा बन चुका है कि अगर आप पेट्रियोटिक फिल्में बनाते हो तो पाकिस्तान की लेते रहो और पाकिस्तान की बैंड बजाते रहो। चाहे मैं योद्धा फिल्म का टीजर देखा था, चाहे मैं दोस्तों टाइगर 3 फिल्म को देखा, हालांकि चलो वो अलग ही कहानी थी, उसकी तो कहानी बिल्कुल लोगों ने उस फिल्म को बॉयकॉट कर दिया कि यार उसमें पीएम जो है पाकिस्तान के पीएम को बचाता है। सो कहने का मतलब ये कि पेट्रियोटिक के नाम पर अगर वाकई में फिल्मों को रिलीज करना है तो देशभक्ति की भावना दिखाओ। और लाहौर 1947 के अंदर भी एक अफवाह ये है कि लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बैंड बजेगी, जबकि दोस्तों इसमें हिंदू मुसलमान का कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है फिल्म मेकर का। ये फिल्म की कहानी बहुत ही साफ है, हालांकि इस फिल्म में एक्शन भरपूर होगा। और जिस हिसाब से दोस्तों इसमें कास्टिंग फाइनल की गई, इसमें पहले मोना सिंह थी, बट मोना सिंह भी है लेकिन दूसरे कास्ट में, पहले सनी देओल के अपोजिट में मोना सिंह को कास्ट किया गया था, अब प्रीति जिंटा है, सनी देओल, प्रीति जिंटा एंड मेन विलन अभिमन्यु सिंह। जी हाँ दोस्तों, अभिमन्यु सिंह को चूज करना जो कि बहुत बड़ी बात है फिल्म मेकर के लिए। और आपको याद होगा कि 90s में सनी देओल की फिल्मों में हमेशा जो ऋषि मुकेश ऋषि उनका नाम था, आपने देखा होगा जैसे सूर्यवंशी फिल्म में जो विलन था ना मुकेश ऋषि करके, दोस्तों कई आपने देखा होगा कि वो 90s का बहुत ही पुराना विलन था। जब भी सनी देओल की फिल्में आती थी चाहे वो इंडियन हो, दोस्तों हमेशा उसके अंदर मेन विलन का किरदार प्ले करना। और आपको बता दूं कि यार सनी देओल ऐसे जब स्टार कास्ट अपोजिट में जो पावरफुल विलन होता है ना तो एक मजा कुछ और होता है, एंड अभिमन्यु सिंह वैसा ही मुकेश ऋषि की तरह मुझे दिख रहे हैं और वैसे ही परफॉर्म करेंगे, मतलब बिल्कुल पावरफुल। रजनीकांत के साथ अपोजिट में रोल प्ले करना, रजनीकांत के सामने खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात है एज ए विलन, तो अभिमन्यु सिंह है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि करण देओल नाउ ऑफिशियली कन्फर्म्ड कि भैया वो सनी देओल के बेटे का रोल प्ले करेंगे, एंड ऑफ कोर्स सनी देओल का जो कैरेक्टर है सिकंदर मिर्जा, उनके बेटे का ऑफिशियली रोल प्ले करेंगे करण देओल। और ये कैसे पता चला? वेल दोस्तों अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन तो नहीं आया, लेकिन आपको बता दूं कि करण देओल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे कल एक पोस्ट साझा किया था और उसमें स्क्रिप्ट पढ़ते हुए उन्होंने बेसिकली लिखा वर्क मोड करके कैप्शन में दिया कि भैया काम पे लग गया हूं मैं, मतलब कुल मिला के भैया उनके पास एक प्रोजेक्ट आ चुका है।
अब सूत्रों के हवाले तो 99% यही खबर थी कि करण देओल ही फाइनली कास्ट हो चुके हैं, और जो कि दोस्तों करण देओल ने ये फोटो साझा करके इनडायरेक्ट वे में लाहौर 1947 की प्रमोशन तो कर ही दी है, साथ ही साथ ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो इसमें नजर आएंगे। एंड ऑफकोर्स ये दोनों बाप बेटे की रील जोड़ी भी बन के रहेगी, और ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड इस खबर को सुनने के बाद। इसके साथ ही साथ आपको बता दूँ कि लाहौर 1947 दोस्तों 2025 में रिपब्लिक डे पर रिलीज होगी, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि भैया इस फिल्म का हाइप बना हुआ है। अभी इस फिल्म में बहुत बड़े बड़े मार्केटिंग स्टंट कह लीजिए, इसको फ्रॉड का नाम दिया गया, इस पर तंज कसा गया, हेटर लोगों ने इस फिल्म को नीचा गिराने के लिए बहुत प्रयास किया। आपको बता दूं कि गदर 2 के टाइम पे भी ये आरोप लगाया गया कि सन्नी देओल की हवेली गिरवी रख दी गई है, बैंक क्या तगादा कर रहा है, नीलामी के हालात नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्या होता है ना कि यार जब भी कोई बंदा उगता हुआ सूरज बन जाता है ना दोस्तों, तो हर कोई इसको नीचा दिखाता है, और शायद इंडस्ट्री में नहीं चाहते ये लोग कि सनी देओल ऐसी ऐसी फिल्में लाकर, जी हाँ, इन जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं उनको नीचा दिखाए, उनको टॉप कैटेगरी से नीचे उतार दे, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपना टॉप कैटेगरी ले रखा है। सो सनी देओल अब टॉप में आ चुके हैं गदर 2 के बाद, और बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं। ऐसे में लाहौर 1947 एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसके प्रमोशंस भी ना करें तो भी आज 40 करोड़ की ओपनिंग ले लेगी अगर कल भी रिलीज होती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस फिल्म की हाई बड़ी सॉलिड बनी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अभी जो स्केड्यूल चल रहा है लगभग ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है, 10 दिन हो चुके हैं। सबाना आजमी के भी कई शूट से लिए जा चुके हैं, कुछ मेरे पास तस्वीरें आई जिसमें से कि आपको बता दूं कि लखनऊ का सेट तैयार कर सब कुछ हो गया। इसके अलावा दोस्तों अभी मन्यू सिंह का और सन्नी देओल का जो स्केड्यूल है, जो उनके फाइटिंग सीन्स है, वो बता दूँ आपको कि वो परसों से लेकर शूट किया जा सकता है। अभी जो भोपाल वाला शूट और लंका वाला शूट है वो दोस्तों अभी होल्ड पे, क्योंकि अभी मड आइलैंड और मुंबई के जितने भी सेट बना रखे हैं वहां पर सारे शूट होंगे। एक बार वो शूट कंप्लीट हो जाए तब ये रियल लोकेशंस के बाकी शूट करेंगे। इसके साथ ही राजकुमार संतोषी पर आरोप जो लगाए गए थे, जैसे बता दूं कि वो फर्जी आरोप निकले, इसका खुलासा हो चुका है, और जो लोग ये बोल रहे थे कि फिल्म बैन हो गई है नहीं रिलीज होगी, तो भैया फिल्म भी रिलीज होगी, और फिल्म 500 करोड़ भी कमाएगी, 1000 करोड़ भी कमाएगी, एंड ऑफकोर्स बड़ी तगड़ी ओपनिंग लेने वाली है। तो प्लीज ये सब फर्जी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि भैया इसका टीजर कब तक आएगा, ट्रेलर कब तक आने की उम्मीद है, और पोस्टर कब तक आ सकता है। मैं दोस्तों रिपब्लिक डे 2025 को फिल्म आएगी, तो ट्रेलर तो 4 दिसंबर एंड पे लग रहा है, लेकिन इस फिल्म का जो रैप बताया जा रहा है मई एंड तक इसकी शूटिंग खत्म होगी। पहले अप्रैल तक था, अब दोस्तों मई एंड में इसकी शूटिंग खत्म होगी। उम्मीद किया जा रहा है कि यार अब देखो यार कैरेक्टर पोस्टर तो आ ही जाए, ऑलमोस्ट देखा जाए कि अप्रैल मई में एक आध पोस्टर तो आ ही जाए कैरेक्टर पोस्टर, और मई के बाद ही दोस्तों टीजर जो कहा जा रहा है कि मई या फिर मई के एंड में टीजर आने की उम्मीद है। एक बार टीजर आ जाए, ग्लिम्स आ जाए कि फिल्म कैसी होने वाली, उससे हाइप बन जाएगी। फिर धीरे धीरे सॉन्ग्स आएंगे दोस्तों लाहौर 1947 के, भी एआर रहमान का म्यूजिक है, इसमें बड़े बड़े सिंगर है, कुमार सानू भी गा सकते हैं, उदित नारायण है, अरिजीत सिंह है, जुबिन नौटियाल है, अरमान मलिक है, तो और भी बड़े बड़े सिंगर है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनके सॉन्ग भी आ सकते हैं। उसके बाद ट्रेलर जो है इस साल के एंड में ही लग रहा है, क्योंकि उसके अलावा दोस्तों अभी सनी देओल कई फिल्मों में ऑक्यूपाइड है। तो लाहौर 1947 में दोस्तों सबसे बड़ी बात की बड़े बड़े स्टार कास्ट आ चुके हैं, ऐसे में करण देओल की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, उनके भी इंपॉर्टेंट सीन है। दोस्तों क्या लगता है, क्या ये बाप बेटे की जोड़ी जो रियल जोड़ी है, क्या वाकई में जब इस फिल्म में दोनों एक साथ नजर आएंगे तो तबाही मचेगी, सुनामी मचेगी? क्या लगता है दोस्तों दोनों की जोड़ी फिर से लोग एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर होगा, लोग कहीं ना कहीं इसको जोड़ेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि सनी देओल की एक फिल्म आ रही है अपने 2, और उसमें भी करण देओल पूरी फैमिली नजर आने वाली है। इसमें धर्मेंद्र, बॉबी देओल, सनी देओल एंड करण देओल, और शायद बॉबी देओल के सुपुत्र भी नजर आ सकते हैं, पुत्र भी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दूं कि जो रियल फैमिली है मिलकर फिल्म बना रही है, और करण देओल अभी आने वाले इनके तमाम सनी देओल के फ्रेंचाइजी में नजर आ सकते हैं, तो एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है, उनके करियर को भी बूस्टअप मिलेगा। सो दोस्तों लाहौर 1947 के ऑफकोर्स यार शूटिंग चल रही है, एंड लगभग काफ़ी अच्छे अच्छे ग्लिम्स आ रहे हैं शूटिंग में, यहाँ भेज नहीं सकता क्योंकि यार कॉपीराइट का स्ट्राइक लग सकता है, इसीलिए बस मेरे पास फुटेज है। आप बिलीव करो फिल्म बहुत फाड़ू होने वाली है। आमिर खान का भी एक्सटेंडेड कैमियो जो है अभी तक शूट नहीं हुआ है, वो होना बाकी है। तो दोस्तों क्या लगता है, लाहौर 1947 फिल्म में बिगर फिल्म बन सकती है, गदर 2 के रिकॉर्ड तोड़ सकती है, पठान, जवान सबके खेल खत्म कर सकती है? एंड दोस्तों कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में, लाइक कमेंट करके बताओ। और रिपब्लिक डे पर आ रही है, उस दिन
वॉर टू भी क्लैश होगी। अगर वॉर टू आती है क्लैश में, क्या लगता है कि भाई भूचाल मचेगा ऋतिक रोशन की फिल्म? जैसे फाइटर का हल हुआ, वॉर टू का भी हो सकता है अगर ये सन्नी देओल के अपोजिट में हुई तो, क्योंकि आमिर खान भी है ये मत भूलो। एंड उसके बाद दोस्तों ये फिल्म बड़े बड़े कंट्री में रिलीज होगी, ओवरसीज में, चाइना में भी इसकी बड़ी डिमांड हो रही है रिलीज होने की, क्योंकि आमिर खान की फैन फॉलोइंग चाइना में भी बड़ी फाड़ू है, तो वहां भी कलेक्शंस के बड़े आसार नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों क्या लगता है, आर यू एक्साइटेड फॉर द लाहौर 1947 एंड करण देओल? क्या वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा पाएंगे सही तरीके से? लाइक कमेंट करके बताओ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद दोस्तों। एंड लाहौर 1947 का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस कितना होगा, 1000 करोड़ पार कर पाएगी या नहीं? थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। कमेंट करो, हिंदुस्तान जिंदाबाद हर कोई लिखेगा। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।